आखिर किस इस्लामिक देश में मिली बुद्ध की प्रतिमा? क्यों देख सनक गए कट्टर मौलाना? क्यों कर दिया भयंकर ऐलान? आखिर क्यों मूर्ति के पीछे पड़ गए मुस्लिम? ये सब जानकार आज आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। स्वागत है आपका द क्रांतिकारी पर। पाकिस्तान के हरिपुर में खुदाई के दौरान 1700 वर्ष पुराने सोए हुए बुद्ध की मूर्ति के अवशेष मिले। बताया गया कि तीसरी सदी की ये मूर्ति दुनिया की सबसे पुरानी बुद्ध की सोती हुई प्रतिमा है। राइटर्स के अनुसार 1929 में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में प्राचीन बौद्ध स्थल की खोज हुई थी। इस इलाके में आतंकवादियों का प्रभाव होने के कारण कई दशकों से यहाँ खुदाई नहीं हुई थी। इसके 48 साल बाद खुदाई जब फिर से शुरू हुई तो 14 मीटर ऊंची कंजूर पत्थर से बनी बौद्ध की मूर्ति मिली। इस बारे में पाकिस्तान के भामला आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अब्दुल समद बताया कि हमें खुदाई में इस विशाल मूर्ति के अलावा 500 और अवशेष मिले जो तीसरी सदी के हैं। उन्होंने आगे बताया कि सम्राट अशोक के समय यह इलाका बुद्ध सभ्यता का सेंटर हुआ करता था। यही वजह है कि इस इलाके में कई बुद्ध अवशेष और स्तूप मिले हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद मूर्ति को गैर इस्लामिक बताते हुए मूर्ति को तोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें मूर्ति को नष्ट करते हुए देखा गया प्रतिमा मर्दान जिले के तख्तबई तहसील में एक खेत में खुदाई के दौरान मिली थी और उसे एक स्थानीय मौलवी के आदेश पर नष्ट कर दिया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग प्रतिमा को हथौड़े से तोड़ते नजर आ रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के पुरातत्व विभाग के निदेशक अब्दुल समद खान ने रविवार को कहा कि प्रतिमा के टूटे हिस्सों को बरामद कर लिया गया है ताकि उसके पुरातत्व महत्व का आकलन किया जा सके। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जाहिर तौर पर यह प्राचीन प्रतिमा है और हमने इसे खो दिया। डॉन अखबार के अनुसार खान ने कहा कि प्रतिमा गांधार सभ्यता की थी और लगभग 1700 साल पुरानी थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उस क्षेत्र को घेर कर अपने कब्जे में ले लिया है। खैबर पख्तूनख्वा पुरातत्व विभाग ने इस घटना के बारे में ट्वीट किया और इंटरनेशनल उर्दू चैनल की एक खबर पोस्ट की जिसमें कहा गया कि यह मूर्ति कम से कम 1700 साल पुरानी है। खान ने मूर्ति तोड़े जाने को अपराध करार दिया और कहा कि किसी भी धर्म का अनादर असहनीय है।